हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल एग्ज़ाम अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो अपना कैरियर या कुछ फ्यूचर नर्सिंग या डॉक्टरी लाइन से रिलेटेड सोचते हैं, हम उनके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। तो उनके लिए खुशखबरी है कि यूपी एनएचएम वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, तो हम इसी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो हम बताना चाह रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी अपडेट हम आपको तुरंत पहुँचाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश ने पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अभ्यर्थी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आज यानी 11 अगस्त 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि इसके जो आवेदन की तिथि वो 11 अगस्त से स्टार्टिंग हो चुकी है। तो आप 11 अगस्त से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए, इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आप 11 अगस्त से 21 अगस्त तक 11 अगस्त 2022 से 21 अगस्त तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इस प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर के 100 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 55 पद, अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए 41 पद और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 4 पद। देखिए, इसमें टोटल वैकेंसी जो बताया गया है कि इसमें उत्तर प्रदेश में 100 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। वैकेंसियां उत्तर प्रदेश में 100 हैं, जिसमें कि कुल जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें 55 पद हैं। ठीक है, और जो एससी कैटेगरी में आते हैं लोग उनके लिए इसमें 41 पद हैं। ठीक है, और जो एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए इसमें 4 पद। ठीक है, इसमें आरक्षण हुआ है इतने पदों के लिए, इन लोगों के लिए, जैसा कि आप आगे देख सकते हैं। अब इसमें हम ये बताएंगे कि आप एनएचएम यूपी पीएचएन ट्यूटर एलिजिबिलिटी कौन कर सकता है। देखिए, आवेदन के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसमें आवेदन कौन कर सकता है। पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित की गई है। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी जाएगी। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि किसी भी पर्सन की जो इसमें आवेदन करना चाह रहा है उसकी अधिकतम आयु जो है वो 40 साल होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो पिछड़ा वर्ग के लिए है। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु 3 सीमा में 3 साल और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी जाएगी। मतलब इसमें आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं ये। ठीक है, अब हम आपके बताएंगे कि इसके अलावा अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बीएससी या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही यूपी नर्स एंड मिडवाइंस काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए, इसमें एजुकेशन एलिजिबिलिटी अगर देखी जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आपके पास बीएससी या एमएससी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए किस चीज़ में, एंड मिडवाइंस काउंसिल में इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें एप्लीकेबल हैं फॉर्म भरने के लिए। उत्तर प्रदेश में
इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 35,000 रुपये महीने तक का वेतन दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सैलरी का इसमें 35,000 रुपये बताया गया है कि पर मंथ आपको सैलरी मिल सकती है मिलेगी। अभ्यर्थी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 11 अगस्त से 21 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें। देखिए इसमें ये बताया गया है कि आप इसमें 11 अगस्त 2022 तक इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी आवेदन करने की तिथि है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।